गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। टुडेज डेट इज 13th of October 2020। डे इज ट्यूजडे। सब्जेक्ट इज इंग्लिश वर्कबुक। लेसन इज टॉपिक इज लेसन नंबर 12 सेइंग वर्ड्स एंड लेसन नंबर 13 नाउंस। दिस इज आवर लेसन गिवन ऑन पेज नंबर 16, लेसन नंबर 12 सेइंग वर्ड्स, 1 or 2 यूनिट्स। योर टीचर विल रीड आउट द गिवन वर्ड्स, रीड देम आफ्टर हर। चेयर, आप देख रहे हैं इसको एक साथ बोल रहे हैं, चेयर 1 यूनिट। टीचर 2 यूनिट्स, आप देख रहे हैं 2 यूनिट्स हो रही, टी एंड चर। सिंगिंग 2 यूनिट्स, चॉक 1 यूनिट, वॉल्स 1 यूनिट, कर्टेन 2 यूनिट्स। नाउ एक्सरसाइज ए इज योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट 1 यूनिट और 2 यूनिट्स आफ्टर ईच वर्ड्स। ओके, जेब्रा 2 यूनिट्स, एडवर्ब, एडवर्ब 2 यूनिट्स, डांस 1 यूनिट, teach 1 unit, grassy 2 units, sentence 2 units, branch 1 unit, pray 1 unit, sorry, okay. B is your teacher will read out the sets of words in A and B. Listen carefully to your teacher. Two words have the same pronunciation in the given sets. Write the pairs in the blanks. यहाँ पे आपको three words दिए गए हैं। Two words have the same pronunciation, यानी कि जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनकी same sound आती है और one word different है। So two, to, two. कौन से दो word एक जैसे? Two, T-O-O-2, T-W-O-2, T-O-O-2, T-W-O-2. Race, raise, raise. तो कौन से दो वर्ड्स एक जैसे? आर ए वाई एस रेज, आर ए आई एस ई रेज। वे वे वाई, कौन से दो वर्ड्स हैं? डब्ल्यू ई आई जी एच वे, डब्ल्यू ए वाई वे, वाई इज डिफरेंट। बी इज लिसन केयरफुली टू योर टीचर। टू वर्ड्स राइम इन द गिवन सेट्स, राइट द पेयर्स इन द ब्लैंक्स। जैसे आपके पोएम में राइमिंग वर्ड्स होते थे वैसे ही आपको इसमें भी राइमिंग वर्ड्स चूज करके लिखना है। पियर बार बेयर, सो पियर एंड बेयर आर द सेम, पी ई ए आर पियर, बी ए आर ई बेयर। कफ कफ इनफ, सो सी यू डबल एफ कफ, सी ओ यू जी एच कफ। गुड शुड मूड, सो जी डबल ओ डी गुड, एस एच ओ यू एल डी शुड। स्पेलिंग आपकी कुछ भी हो लेकिन यू हैव जस्ट टू सी कि उनका राइमिंग वर्ड्स हों वो। नाउ लेसन नंबर 13 नाउंस। द वर्ड स्नेक इज गार्डिंग द ट्रेजर ऑफ 18 नाउंस, फाइंड द नाउंस। इसमें आपके 18 नाउंस है, उन वर्ड नाउंस को आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। लाइक फर्स्ट वर्ड आपका ये दिया गया है सी एल ओ डब्ल्यू एन क्लाउन, यू विल राइट क्लाउन हेयर। देन नेक्स्ट आप इसको इसी के आगे देखेंगे, क्लाउन के आगे ही दिया गया एफ एल ओ सी के फ्लॉक, फ्लॉक। एम यू एम बी ए वाई मुंबई, मुंबई। एच ओ एन ई एस टी वाई ऑनेस्टी। एस ए एन डी डब्ल्यू आई सी एच सैंडविच। एस सी एच डबल ओ एल स्कूल। डी ई एल एच आई दिल्ली। के आई एन डी एन ई डबल एस काइंडनेस। सी एल ए डबल एस क्लास। देन डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर। देन ब्यूटी बी ई ए यू टी वाई ब्यूटी। देन ए ई आर ओ पी ए एल ई एन ई बी एल ए एन ई प्लेन, एरोप्लेन। ए आर यू एन अरुण, सॉरी ए आर यू एन अरुण, यू विल राइट है अरुण। देन अरुण के बाद आपका दिया गया एच ई आर डी हर्ड, हर्ड। आर आई टी ए रीटा, रीटा। पी ओ एल आई टी पी ओ एल आई टी ई एन ई डबल एस पोलाइटनेस। के ए एस एच एम आई आर कश्मीर। एंड देन लास्ट में आपका दिया गया एस डब्ल्यू ए आर एम स्वाम। आर बी इज यू हैव टू राइट दीज 18 नाउंस इन कैपिटल लेटर्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। आपको यही 18 नाउंस जो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं इस वर्ड स्नेक में, आपने लिख लिया 18 नाउंस, इन्हीं 18 नाउंस को आपको ढूंढ के कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें आपको लिखना है। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, सो आई हैड मेड द करेक्शन, और थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा, बट प्लीज़ बियर विद इट। लाइक फर्स्ट वन इज क्लाउन, सी एल ओ डब्ल्यू एन क्लाउन, आपने कॉमन नाउन में लिखा। सेकेंड आपका दिया गया फ्लॉक, फ्लॉक आपका होता है कलेक्टिव नाउन, आपने कलेक्टिव नाउन में लिखा एफ एल ओ सी के फ्लॉक। थर्ड आपका होता है मुंबई, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, टू विल राइट इन प्रॉपर नाउन एम यू एम बी ए वाई मुंबई। फोर्थ आपका होता है ऑनेस्टी,
ये आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू विल राइट इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एच ओ एन ई एस यू आई ऑन एस सी. फिफ्थ है सैंडविच, यू विल राइट सैंडविच एस ए एन डी डब्ल्यू आई सी एच, सैंडविच इज़ अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर लिखा. स्कूल इज़ द कलेक्टिव नाउन एस सी एच डबल ओ एल स्कूल. डेली इज़ द प्रॉपर नाउन, यू विल राइट इन प्रॉपर नाउन डी ई एल एच आई डेली. काइंडनेस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू विल राइट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आई एन डी एन ई डबल एस काइंडनेस. क्लास इज़ द कलेक्टिव नाउन, यू विल राइट इन द कलेक्टिव नाउन सी एल ए डबल एस क्लास. देन वाटर इज़ द कॉमन नाउन, यू विल राइट इन कॉमन नाउन पी डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर. देन ब्यूटी इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू विल राइट इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन बी ई ए यू टी वाई ब्यूटी. देन एरोप्लेन इज़ द कॉमन नाउन, यू विल राइट इन कॉमन नाउन ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन. अरुण इज़ द प्रॉपर नाउन, यू विल राइट इन अरुण प्रॉपर नाउन अरुण. देन हर्ड इज़ द कलेक्टिव नाउन, यू विल राइट इन द कलेक्टिव नाउन एच ए आर डी हर्ड. देन रीटा इज़ द प्रॉपर नाउन, यू विल राइट इन प्रॉपर नाउन रीटा. एंड देन पोलाइटनेस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू विल राइट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पी ओ एल आई टी ई एन ई डबल एस पोलाइटनेस. काश्मीर इज़ द प्रॉपर नाउन, यू विल राइट इन प्रॉपर नाउन के ए एस एच एम आई एफ. स्वाम इज़ द कलेक्टिव नाउन, यू विल राइट इन द कलेक्टिव नाउन. सो वट आर द कॉमन नाउन? क्लाउन, सैंडविच, वाटर, एरोप्लेन. एक आपका खाली रहेगा. प्रॉपर नाउन दिल्ली, मुंबई, अरुण, रीटा, कश्मीर. ओके, रीटा एंड कश्मीर. कलेक्टिव नाउन्स आर फ्लॉक, स्कूल, क्लास, हर्ड, स्वाम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्यूटी. एक आपका खाली रहेगा पोलाइटनेस, क्योंकि 18 वर्ड्स है तो दो आपके स्पेसेस खाली रहेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.